तो यार एवेंजर्स की आने वाली मूवी कैंग डायनेस्टी में कैंग अभी तक का सबसे ज्यादा मदर फकिंग कैरेक्टर होने वाला है। बिकॉज जब तुम लोग इसकी हरकतें देखोगे तो तुम लोग बोलोगे कि भाई कितना बड़ा मादरचोद विलन है। इसने किसी को नहीं छोड़ा है, एवेंजर्स तक की मार कर रख ली है। अब कैंग का एक्चुअल नाम है नथेलियन रिचर्ड, जो कि अर्थ 616 में रहता है। और कैंग के पास खुद का कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और इतनी भयंकर तरीके से टाइम ट्रेवल करता है कि जब उसकी स्टोरी तुम लोग जानने जाओगे तो दिमाग का भोसड़ा खराब हो जाएगा तुम लोग का। तो होता यह है कि कैंग जब फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल करता है तो इजिप्शियन पीरियड में पहुंच जाता है। और एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कैंग जब भी टाइम ट्रेवल करता है तो वो कहाँ पहुंचेगा या फिर कौन से सेंचुरी में जाएगा, इसका कोई भी कंफर्मेशन उसके पास भी नहीं होता है। अब इजिप्शियन पीरियड में जाने के बाद वहां के लोग काफी पुराने टाइप के थे, पुराने जमाने वाले थे। उनको नहीं पता था कि कैसे मुट्ठीबाजी मारा जाता है या फिर क्या किया जाता है, कुछ भी उनको नहीं पता था। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए कैंग क्या करता है, उन लोगों के दिमाग में भांग भोसड़ा भर देता है। नाउ काफी लंबे टाइम तक इजिप्शियन पीरियड में बॉस ग्रीस झाड़ने के बाद कैंग जो है वहां पे बोर हो जाता है। और उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई अब मैं जो है एवेंजर्स के साथ फाइट करूंगा प्रेजेंट टाइम में जाके। और ऐसा वो क्यों करेगा, सेक्सी लग रहा था। अब अगेन वो टाइम ट्रेवल करता है और टाइम ट्रेवल करने के बाद प्रेजेंट टाइम का तो नहीं पता, लेकिन वो 14th सेंचुरी में पहुंच जाता है, मतलब फ्यूचर के भी बाप में पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद कैंग देखता है कि यहाँ पे पहले से बकचोदी चल रहा है, मतलब पहले से वहां पे फाइट चल रहा होता है। और उन लोगों के पास काफी हाईटेक टाइप का गन्स था, वेपन्स था, लेकिन वो लोग सही से उन गन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो फिर कैंग क्या करता है, उन लोगों को कॉन्करर करना स्टार्ट कर देता है कि गन्स को कैसे यूज करना और बाकी सारी चीजें। और धीरे धीरे करके वो जो है सारी चीजों को कॉन्करर करना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट एक टाइम के लिए वो गैलेक्सी तक कॉन्करर करता है। नाउ ये सारी बकचोदी करते करते अगेन कैंग बोर हो जाता है। और बोर होने के बाद फिर से वो सोचता है कि भाई इस बार मैं एक और बार टाइम ट्रेवल कर लेता हूं, अगर बाय चांस मैं एवेंजर्स के पास पहुंच जाऊंगा तो फिर उनकी गांड मारूंगा। तो कैंग फिर से टाइम ट्रेवल करता है, इस बार वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है एवेंजर्स के साथ फाइट करने के लिए। अब देखो एवेंजर्स के साथ पूरी एकदम कट्टी वाली फाइट होती है और उस टाइम पे जो है एवेंजर्स को वो हरा भी देता है, लेकिन एवेंजर्स उसके ऊपर फिर भारी भी पड़ जाता है। और फिर कैंग किसी ना किसी तरह हार जाता है और एवेंजर्स जो है कैंग को मार भी देते हैं। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कैंग का स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गया तो नहीं, कैंग का स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और स्टोरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जितना सिंपल वे में मैं तुम लोग को बता सकता हूँ बताऊंगा। अब देखो कैंग जब भी टाइम ट्रेवल करता है तो वो अपना एक डाइवर्जन वेरिएंट क्रिएट कर देता है, मतलब अपना खुद का एक अलग वर्जन क्रिएट कर देता है दूसरे टाइम पीरियड में। और यही एक रीजन है कि कैंग को इजीली फर्स्ट टाइम कोई मार नहीं पाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने उसको मार दिया, लेकिन उसका अलग वर्जन दूसरे टाइम पीरियड में बकचोदी पहले से कर रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, कैंग बहुत बार जो है टाइम ट्रेवल कर चुका होता है और उसका बहुत सारा वर्जन पहले से क्रिएट हो रखा है। तो एक टाइम के लिए काउंसिल ऑफ कैंग होता है, जहाँ पे काफी सारे कैंग एक ही जगह पे रहते हैं और वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। और वहां पे एक मेन कैंग होता है, वो अपने आप को नाम देता है प्राइम कैंग। और जो प्राइम कैंग है वही सबसे बड़ा हरामी रहता है। वो क्या करता है, दो और कैंग को अपने साथ रखता है और अपने ही दूसरे वर्जन को फाइट करवाता है, ताकि बाकी सारे कैंग जो है खत्म हो जाए, मतलब एक दूसरे को वो लोग मार दे और लास्ट में सिर्फ बचेगा वो। और होता भी यही है, सारे कैंग एक दूसरे को मार देते हैं, एंड में बचता है प्राइम कैंग और वो दो कैंग जो उसके साथ रहते हैं। तो प्राइम कैंग क्या करता है, उन दोनों के बीच में भी फाइट करवा देता है और लास्ट में जो कैंग बचेगा उसको वो खुद मार देगा। तो वो दोनों कैंग जब फाइट करते हैं तो एक कैंग दूसरे कैंग को मार देता है। देन प्राइम कैंग सोचता है कि मैं लास्ट वाले कैंग को मार के यहाँ का राजा बन जाऊंगा। जब वो मारने के लिए जाता ही है तो उस टाइम पे आ जाता है इमोर्टस कैंग, मतलब कैंग का ही एक फ्यूचर वर्जन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इमोर्टल है। और जो इमोर्टस कैंग है वो प्राइम कैंग को रोकता है कि भाई मत मारो अपने ही वर्जन को। देन इमोर्टस कैंग प्राइम कैंग को लेके जाता है लिम्बो में। अब अगर इमोर्टस कैंग की स्टोरी तुम लोग जानने जाओगे तो भाई इसकी स्टोरी और भी कंफ्यूजिंग है। बेसिकली तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि इमोर्टस कैंग जो है लाइफ में सब कुछ कर चुका है, अब वो एकदम देवदास बन चुका है। अब काफी लंबे टाइम के बाद प्राइम कैंग को जो है रियलाइज हो जाता है कि फाइट और भांग भोसड़ा करके ये सब फायदा नहीं है। देन सबको छोड़ के वो फिर से टाइम को अच्छे से स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद उसका मुलाकात होता है टाइम कीपर से। अब टाइम कीपर क्या करता है, कैंग को जो है काम बांट देता है कि टाइम ट्रेवल का देखभाल तुम करोगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है टाइम ट्रेवल के साथ, कुछ भी छेड़खानी होता है तो वो तुम देखभाल करोगे। देन ये काम करते करते कैंग को एक दिन रियलाइज होता है कि भाई जो स्कारलेट विच है वो नेक्सस बीन है और वो पूरे मल्टीवर्स में एक ही वर्जन में एग्जिस्ट करती है। तो स्कारलेट विच जो है कैंग के लिए काफी बड़ा खतरा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, कैंग को यह भी पता चलता है कि स्कारलेट विच से ज्यादा उसके जो बच्चे हैं बिली और टॉमी, उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। तो इस वजह से कैंग क्या करता है, स्कारलेट विच का लफड़ा करवा देता है विजन के साथ। तो रोबोट के साथ अगर स्कारलेट विच रहेगी तो भाई उसका ऑब्वियसली बच्चा नहीं होने वाला है। तो क्या दिमाग लगाया कैंग, तुम लोग समझ सकते हो कितना बड़ा चूतिया और हरामी टाइप का था। लेकिन स्कारलेट विच कैंग से भी बड़ी वाली हरामी रहती है। स्कारलेट विच क्या करती है, मेफिस्टो के पास जाके उसके सोल से दो बच्चे पैदा करवा लेती है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी है कैंग का। अब मार्वल वाले किस तरह से इसको मूवी में एग्जीक्यूट करते हैं वो चीज मैं देखना चाहता हूँ। ये सारी चीज कैंग देखने के बाद वो थक हार के सोचता है कि भाई जो हो रहा है होने दो, गाड़ मराओ, अब मेरे को कोई भी मतलब नहीं है।
अब स्टोरी के लास्ट में ट्विस्ट ये है कि जितनी भी बकचोदी मैंने तुम लोगों को बताई कि कैंग जो है टाइम ट्रेवल करके इजिप्शियन पीरियड में गया, फिर वो फ्यूचर में चल गया, एवेंजर्स के साथ उसने फाइट किया, काउंसिल ऑफ कैंग हुआ, ये सारी बकचोदी एक्चुअल में इमोर्टस कैंग जो है प्राइम कैंग से करवाना चाहता था क्योंकि फ्यूचर में जाके वो प्राइम कैंग से इमोर्टस कैंग बन सके। अब फिर भी ये कैंग का स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है, इससे भी बड़े बड़े कांड उसने पहले से ही कर रखे हैं। एवेंजर्स मूवी जब आएगी कैंग डायनेस्टी तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मूवी में ये सारी चीजें एग्जीक्यूट वो लोग कर रहे हैं। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने के लिए कि सारे कैंग एक दूसरे की गांड मारेंगे, वो चीज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को कैंग का कैरेक्टर कैसा लगा और तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, इस तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में।